नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी न्यूज और पेश है इस वक्त जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। जोधपुर शहर के पावटा सर्किल पर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर एक बुजुर्ग वाहन चालक को रोकने पर वह यातायात पुलिस कर्मियों से उलझ गया। उसने एक महिला कांस्टेबल के गिरेबा पर हाथ डाल दिया और बाद में माफी मांगने पर उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई, लेकिन यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर वह चालान काट कर छोड़ दिया गया। बताया गया है कि वह एक्टिवा पर 3 सवारी लेकर आ रहा था। बीकानेर जिला कलेक्टर एवं न्याय अध्यक्ष नमित मेहता गुरुवार शाम को वरिष्ठ नागरिक भ्रमण पथ पहुंचे और पार्क में साफ सफाई, सिंचाई के पानी की उपलब्धता और टेवकू का निरीक्षण किया और अधिकारियों को पार्क की दशा सुधारने के निर्देश दिए। भ्रमण पथ के ट्रैक को उबड़ खाबड़ देखकर कहा कि इस पर कैसे दौड़ा जा सकता है। उन्होंने न्याय सचिव को ट्रक का लेवल को नए सिरे से ठीक करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने पूछा कि इस ट्रैक का कार्य किस ठेकेदार से करवाया है और जब तक उसे ठीक नहीं किया जाता ठेकेदार का भुगतान रोक दिया जाए। जोधपुर में कांग्रेस नेताओं और उनके परिचितों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रदेश में चल रहे राजनीतिक सियासी घटनाक्रम के बीच केंद्र सरकार ने ईडी और आयकर विभाग जैसी संस्थाओं का दुरुपयोग शुरू कर दिया है। बीकानेर में गुरुवार को कोरोना संक्रमितों की 2 रिपोर्ट में 31 मरीज मिले तो 3री रिपोर्ट में 14 कोरोना संक्रमित रोगी मिले और इसके साथ ही जिले में कोरोना मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 1611 हो गया है और अभी आए संक्रमित इन क्षेत्रों में नथुसर गेट, भटड़ों का चौक, बिस्सों का चौक, बेसिक कॉलेज, एमपी कॉलोनी, अजीत फाउंडेशन के पास, खाबेड़ी छंगाणियों की गली, अंत्योदय नगर, केईएम रोड, कोठारी कुएं के पास मिले हैं। करीब 4 माह बाद आज से वापस जोधपुर की सड़कों पर नगर परिवहन सेवा की सिटी बसों का संचालन शुरू हो गया। इस सेवा से आम जनता को काफी राहत मिली, लेकिन इससे कोरोना संक्रमण का खतरा और अधिक फैल गया। सिटी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई और कई स्थानों पर सिटी बसें भरी हुई दिखी। बीकानेर ऊर्जा एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बीडी कल्ला ने सर्राफा एसोसिएशन के अध्यक्ष बजरंग सोनी के आकस्मिक निधन पर शोक प्रकट किया है। डॉ. कल्ला ने कहा कि स्वर्गीय सोनी सामाजिक सरोकारों में निरंतर सक्रिय थे। बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम के लिए जोधपुर कमिश्नरेट के पुलिस उपायुक्त धर्मेंद्र सिंह यादव ने पुलिस लाइन स्थित सरदार पटेल सभागार में बैठक ली। डीसीपी धर्मेंद्र सिंह यादव ने बताया कि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक डॉ. रवि प्रकाश मेहरड़ा द्वारा बाल श्रम की प्रभावी रोकथाम के लिए प्रत्येक माह विशेष अभियान चलाने के निर्देश दे रखे हैं। इस संबंध में पुलिस आयुक्त जोस मोहन के आदेशानुसार बैठक ली गई। जोधपुर शहर में लगातार विद्युत बिलों में अनियमितताएं आ रही है। अधिकांश उपभोक्ताओं के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं। कई स्थानों पर तो लोग बढ़े हुए बिजली बिलों को लेकर परेशान लोग डिस्कॉम कार्यालय में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अधिकारियों की ओर से उनकी समस्या का समाधान करने की बजाय उन्हें संतोषजनक जवाब तक नहीं दिया जा रहा। गुरुवार को भी लाल सागर बिजली घर पर उपभोक्ताओं ने सहायक अभियंता के सामने विरोध दर्ज करते हुए प्रदर्शन किया। विद्युत उपभोक्ताओं ने बताया कि किसी के मात्र 8 रुपए का बिल भेज दिया गया तो किसी के 50,000 रुपए तक का बिल आया है। लॉयंस क्लब जोधपुर वेस्ट की नई कार्यकारिणी का पदस्थापन समारोह सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करते हुए सादगीपूर्ण तरीके से लॉयंस भवन शास्त्री नगर में संपन्न हुआ। पद स्थापना अधिकारी पूर्व प्रांतकाल लॉयंट डॉ. डीएस चौधरी ने अध्यक्ष दुष्यंत कुमार जोशी, सचिव जितेंद्र बोहरा, कोषाध्यक्ष राजेंद्र जालानी एवं समस्त कार्यकारिणी को शपथ दिलवाई। जोधपुर जिले के भोजासर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक युवक के बैंक खाते से 15,000 रुपए पार हो गए। इसमें एटीएम कार्ड क्लोन का संदेह बताया जा रहा है। पुलिस ने बताया कि रणीसर निवासी सुखराम बिश्नोई ने यह रिपोर्ट दी और इसमें बताया कि उसके बैंक खाते से 15,000 रुपए पार हो गए। उसके एटीएम कार्ड से यह राशि निकलना प्रतीत हुआ है। पुलिस इसमें कार्ड क्लोन की आशंका जता रही है। ग्लोबल रिलीफ सोसाइटी के तत्वाधान में चल रहे वन महोत्सव के तहत राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय नारनाड़ी में पौधारोपण किया गया। सोसाइटी के अध्यक्ष शिव कुमार सोनी ने बताया कि पर्यावरण के ब्रांड एम्बेसडर पाबू राम सियाग के सानिध्य में नीम, अशोक, गुलमोहर, बेर, इमली सहित विभिन्न प्रजातियों के 50 पौधे लगाए गए। मोखलावास में अतिक्रमण मुक्त हुई गोचर भूमि में चरागाह विकसित करने के संदर्भ में बैठक का आयोजन किया गया। इसमें गोचर भूमि का सीमांकन करवाकर वे झाड़ियां हटवाकर सेवन व धामण घास उगाने का प्रस्ताव पास किया गया।
कामधेनु सेना के प्रदेश प्रभारी नरसिंह गहलोत ने बताया कि गांव की बाकी गोचर भूमि को भी अतिक्रमण मुक्त करवाकर पटवारी से सीमांकन करवाया जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। बीटी न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।